जाइए देखिए शिक्षण शुरू करते हैं। शिक्षण जैसे सब लोग इस शब्द से परिचित है कि शिक्षा क्षेत्र में यूज होता है। किस क्षेत्र में? शिक्षा, शिक्षा देने के लिए और शिक्षा लेने के लिए, दोनों शब्दों में जो है शिक्षण शब्द यूज होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं शिक्षा के तीन अंग होते हैं, कौन कौन? अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम या विषय। शिक्षण में भी ये तीनों अंग होते हैं। इन तीनों के बीच में जो संबंध है वो कौन बताता है? शिक्षण। बात समझ में आई? शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण प्रक्रिया के अंदर शिक्षा देना और शिक्षा लेना दोनों आता है। तीनों का शिक्षण का मुख्य तीन बिंदु हैं जिन्हें हम अध्यापक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम से के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले आइए देखिए शिक्षण का अर्थ क्या है। ये तो ऐसे एक तरीके से है कि ये साधारणतः जिन शब्दों में हम प्रयोग करते हैं शिक्षण, ये बात हुई। इसका जो अर्थ होता है वो क्या है, इसका मूल अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है, व्यापक अर्थ क्या है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि किसी भी शब्द का तीन अर्थ लिया जाता है ना? कौन कौन सा? मूल अर्थ है ना, और संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। शिक्षण का मूल अर्थ देखा जाए तो ये कहां से लिया गया है? ये अंग्रेजी शब्द टीचिंग का हिंदी रूपांतरण है। इंग्लिश शब्द टीचिंग का हिंदी रूपांतरण है। वस्तुतः देखा जाए तो ये शिक्ष धातु से बना हुआ है। किससे बना है? शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। मूल अर्थ क्या हुआ इसका? शिक्षण शब्द जो है अंग्रेजी के शिक्षण शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सिखाना। और देखा जाए तो शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें सीखना और सिखाना दोनों होता है वो क्या कहलाता है? शिक्षण। दूसरा क्या है? संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में हम देखते हैं कि इसका जो है इसका क्षेत्र कहाँ तक है, ये सीमित कहाँ तक है। तो संकुचित अर्थ के अंदर हम ये देखते हैं कि ऐसे शिक्षण प्रणाली या ऐसी व्यवस्था जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर निश्चित व्यक्ति से प्रदान किया जाता है, जिसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। क्या? एक तो जो प्रदान किया जाता है उसका उद्देश्य भी क्या होता है? निश्चित ही होता है कि पढ़ाना क्या है, ये निश्चित होता है। वो क्या होता है? आपका जैसा बताया तीन अंग होता है, जो विषय है वही क्या है? उद्देश्य है कि हमें पढ़ना क्या है, विषय क्या लेनी है। विभिन्न प्रकार के आपके विषय हैं तो उन विषयों में से हमें पढ़ना किस पे है, और वो उद्देश्य निर्धारित करता है। और स्थान भी यही बताता है कि किस स्थान में पढ़ना है। शिक्षण जहाँ भी कराया जाता है एक निश्चित स्थान होता है। समय भी निश्चित होता है कि कब पढ़ना है ना, सुबह पढ़ना है, शाम पढ़ना, दोपहर पढ़ना, कब। और व्यक्ति किससे पढ़ना है या कौन पढ़ाएगा, ये भी ये फिक्स होता है। तो इसका ये संकुचित अर्थ हुआ कि ऐसा शिक्षा प्रणाली जिसमें निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है? शिक्षण। और उसका ये संकुचित अर्थ होता है। क्या होता है? संकुचित अर्थ, क्योंकि सारी चीजें क्या है? सीमित है, सब बांधी गई है। अब देखिए व्यापक अर्थ क्या होता है। व्यापक का मतलब आप जानते हैं कि विस्तार। क्या होता है व्यापक का मतलब? विस्तार। और शिक्षा का विस्तार जैसे कि जानते हैं आप, जन्म से लेकर मृत्यु तक सेम जो है आपका शिक्षण भी होता है। प्रारंभ कब से होता है? जन्म से, और खत्म कब होता है? मृत्यु तक। तो ये इसका व्यापक अर्थ हुआ कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पे जाके खत्म होती है। इतनी बात समझ में आई? ये तो मान लीजिए इसके अर्थ हो गए। किसके अर्थ? शिक्षण के। कुल मिला के ये मिला कि शिक्षण क्या है?
सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, जिसमें जो है शिक्षक जो है शिक्षार्थी को शिक्षा प्रदान करता है और एक निश्चित विषय पे, और जिसको हम विषय या पाठ्यक्रम के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसका परिभाषा में आप देखते हैं क्या हुआ। परिभाषा में देखिए रायबर्न ने बताया कि शिक्षा का 3 मुख्य अंग होता है, कौन कौन जस्ट अभी पढ़े हैं, अध्यापक, बालक और विषय। और शिक्षण इन तीनों में, स्थापित किया जाने वाला संबंध है, बात समझ रहे हैं कि रायबर्न ने बताया कि शिक्षा का 3 मुख्य अंग होता है जिसमें अध्यापक, बालक और विषय शामिल होते हैं। और शिक्षण क्या है, इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। अर्थात शिक्षण वो संबंध है जो अध्यापक, बालक और विषय के बीच में स्थापित किया जाता है, है ना। क्या है, टीचिंग इज ए रिलेशन बिटवीन किसके टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस या कैरिकुलम। इतनी बात समझ में आई कि रायबर्न ने बताया कि शिक्षा के 3 मुख्य बिंदु होते हैं जिन्हें हम बालक, अध्यापक और विषय के नाम से जानते हैं। और शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। अर्थात जो अध्यापक, बालक और विषय के बीच में स्थापित किया जाता है वही संबंध क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्लार्क के अनुसार, क्लार्क महोदय क्या कहते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन को नियोजित एवं संचालित करती हैं। क्या है, शिक्षण वो प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार परिवर्तन को नियोजित एवं संचालित करती है। नियोजन से क्या समझते हैं, नियोजन मतलब प्लानिंग। हम किसी भी कार्य को करने से पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं या योजना बनाते हैं, उसे हम नियोजन के नाम से जानते हैं। संचालन करने का मतलब मैनेजिंग। क्या होता है आपका संचालन, मतलब मैनेजिंग। तो शिक्षण क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जो बालक के व्यवहार को नियोजित करती है। नियोजित करने का मतलब उसको प्लान करती है, प्लान करती है कि किस तरीके से इसका व्यवहार होना चाहिए, है ना। ये बताता है शिक्षण की बालक का व्यवहार किस प्रकार से बदलना चाहिए और उसको क्रियान्वित कैसा करना चाहिए, है ना। जो वांछित परिवर्तन लाना है वो किस प्रकार से ले आना है, इसका वो क्या करता है, निर्धारण करता है। पहले तो क्या करता है, नियोजन करता है, इसके बाद फिर उसका निर्धारण करता है या संचालन करता है। बात समझ में आई कि यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के व्यवहार का संचालन या नियोजन किया जाता है। अब देखिए
शिक्षण के उद्देश्य, जब भी कोई चीज हम पढ़ते पढ़ाते हैं तो उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य के कोई कार्य जो है सफल नहीं होता। तो शिक्षण का भी कोई उद्देश्य होगा, इसीलिए जो है हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है, या शिक्षकों को इसकी शिक्षा इसलिए अनिवार्य की गई होगी, कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य होगा, है ना। क्या उद्देश्य होगा शिक्षण का? शिक्षण का उद्देश्य बालकों के संवेगात्मक और भावनात्मक और उनके में सृजनशीलता, मतलब सारे गुणों को विकसित करने का एक मिला के उद्देश्य। कुल मिला के कह सकते हैं कि बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए शिक्षण कार्य कराना होता है। कुल मिला के कह सकते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास में शिक्षण का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें दो प्रकार के आपके उद्देश्य रखे जाते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, उद्देश्य में आपके दो प्रकार के उद्देश्य कौन कौन से? सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में, शांत हो जाइए, देखें सामान्य उद्देश्य में आप देखते हैं विषय की प्रकृति। क्या? विषय की प्रकृति, मतलब समान उद्देश्य ये होता है कि जो विषय पढ़ाया जा रहा है, जैसे गणित हुआ, विज्ञान हो गया, अंग्रेजी हो गया, उसके उस सब्जेक्ट का उसका क्या प्रकृति, क्या है, नेचर क्या है, है ना, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रूप कैसा है, ये उसमें पढ़ाया जाता है। दूसरी बात क्या है, सामान्य उद्देश्य में क्या आता है, व्यवहारिक जीवन में जो आपने उनमें तथ्य पढ़े हैं, नियम पढ़े हैं, सिद्धांत, उनका प्रयोग करना। तथ्यों का प्रयोग। तीसरा क्या है? आदत निर्माण। है ना, किसी भी विषय को पढ़ाया जाता है इसलिए ताकि बालक को उस विषय की प्रकृति का ज्ञान हो, और उसके अंदर जो ज्ञान भरा है, ज्ञान का भंडार है, वो अपने दैनिक जीवन में उनका प्रयोग कर सके, और उनका प्रयोग करके वो क्या करे, आदत का निर्माण कर सके, और आदत निर्माण से क्या करे, व्यवहार परिवर्तन। यही तो है शिक्षण का कार्य। क्या कार्य है? व्यवहार परिवर्तन। अब देखिए, जैसे कि आप पढ़ाया जा रहा है आपको ईवीएस, क्या पढ़ाया जाना है, एनवायरमेंटल स्टडी, तो इसमें ईवीएस में आप देखते हैं कि इसकी प्रकृति क्या है, इसके अंतर्गत पढ़ते क्या है, तो हम लोग यही पढ़ते हैं, हवा, पानी, घर, समुदाय, विभिन्न प्रकार की चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और उसमें भी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, नियम तथ्य, जैसे पेड़ लगाना क्यों जरूरी है, क्या इसकी आवश्यकता है, है ना। हम बालकों को जब इसके प्रति जागरूक करते हैं कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, तो बालक क्या करते हैं, उसका दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। कैसे? पेड़ लगाते हैं, पानी को बचाते हैं, जो वेस्टेज ऑफ वाटर करते हैं उसको बचाते हैं, साफ सफाई करते हैं नदियों का इधर उधर भी, है ना। तो उसमें क्या होता है, जब पेड़ का आपने बालक को बता दिया कि बालक को देखिए पेड़ का बहुत योगदान है हमारे जीवन में, ताजी सांसों के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए या रेनिंग के लिए, तो बालक के दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, तो वो उसका क्या करेगा, आपने उनको बताया कि अब जब आपका बर्थडे आए तो एक पेड़ आप उसको लगाइए, है ना। छोटे बच्चे के दिमाग में जब आप ये डालेंगे तो वो अपने दिमाग में इस चीज़ों को बैठाएगा कि हाँ ये हमारी वजह से हो रहा, तो हम इसको, इस समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं 2015 में चाइना में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, है ना। किस लिए जारी हुआ था? बहुत अधिक प्रदूषण हो गया था, बहुत अधिक प्रदूषण हो गया था, हाँ। तो वहाँ पे क्या, वो वर्ष भर में इतना वृक्षारोपण किया गया कि उसकी संख्या 2 करोड़ हो गई थी, है ना। अभी आप देखेंगे कि वहाँ पे जो एक फॉरेस्ट सिटी प्लान की गई है, पूरा का पूरा जो है वो सिटी है, हाँ, वृक्षों से ही बना हुआ है, और एक बिल्डिंग ऐसी है कि जिसमें एक ही वृक्ष के विभिन्न जो शाखाएं हैं उसके हर एक फ्लोर से निकलती हुई निकली हैं। तो उसमें ये दिखाया गया कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं, उनका संरक्षण कितना ज़रूरी। बालक के दिमाग में जब ये सारी बातें आप डाल देंगे तो बालक क्या करेगा, दैनिक जीवन में पेड़ लगाना शुरू कर देगा। जब भी बर्थडे आएगा पहले तो वो क्या करेगा, आदत निर्माण करेगा, और फिर उसके व्यवहार में आ जाएगा। व्यवहार में आ जाने का मतलब कि वो विभिन्न प्रकार के पेड़ों को भी लगाएगा, दूसरों को भी क्या करेगा, उत्साहित करेगा कि आप भी पेड़ लगाइए, लोगों को जागरूक करेगा। इसीलिए एक शिक्षा दीक्षा दी जाती है बालकों को,
कि ताकि स्वयं तो प्रयोग करें और औरों को भी बता सकें। तो ये तो हो गया सामान्य उद्देश्य। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर इतिहास ही पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस हो गया, इतिहास पढ़ा रहे हैं तो उसमें ये बताएगा इतिहास की प्रकृति क्या है, फिर इतिहास से क्या क्या चीज़ें वो देखता है कि कैसा कोई राजा जीतता है, कैसे हारता है, क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, फिर उन चीज़ों का वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है ना। कि किसी भी कार्य को करने से पहले, मान लीजिए यहाँ सीख लिया इतिहास में, किसी भी कार्य को करने से पहले रणनीति बनानी चाहिए, है ना। तो उसका भी जब भी उसके जीवन में कोई समस्या आएगी तो वो क्या करेगा, पहले रणनीति बनाएगा कि किस प्रकार से हमें आगे करना है। तो उस तमाम जितने सारे विषय हैं सबसे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है और उन जानकारियों का हम क्या करते हैं, दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य में आपका क्या आता है, विशिष्ट उद्देश्य में आपके तीन प्रकार के उद्देश्य आते हैं, है ना। लेसन प्लान जब आप बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि जब आप कोई प्रकरण पढ़ाने वाले होते हैं तो उससे पहले लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। और ये जो सामान्य उद्देश्य लिखते हैं वो किस पे आधारित होता है, जो विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं, किस पे आधारित होता है, विषय जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, चाहे वो हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, गणित हुआ, विज्ञान हुआ, जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, कि आप ये बताते हैं कि ये विषय पढ़ने के बाद बालकों को किस प्रकार का ज्ञान होगा, है ना, किस चीज़ से बालक जो है रूबरू होने वाला है। और विशिष्ट उद्देश्य में हम ये बताते हैं कि ये विशेष टॉपिक पढ़ने के बाद क्या इसमें आता है, प्रकरण, कि प्रकरण पढ़ने के बाद जिसे हम कहते हैं टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बालक किन चीज़ों का ज्ञान कर लेगा, है ना। हम पढ़ाते हैं कि ये टॉपिक पढ़ा देंगे, जैसे दाब की बात की कि दाब पढ़ा रहे हैं, तो हमारा यही उद्देश्य होता है कि बालक का ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो, भावनात्मक पक्ष मजबूत हो और क्रियात्मक पक्ष मजबूत हो, जिसका वो भावी जीवन में जब भी ज़रूरत लगे उनका प्रयोग कर सके, है ना। अब देखिए विशिष्ट उद्देश्य में आपके तीन उद्देश्य आते हैं, कौन कौन से, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक को ही संज्ञानात्मक कहते हैं, और भावात्मक, क्या होता है, क्रियात्मक होता है। इसको गामक उद्देश्य के भी नाम से जानते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य या गामक उद्देश्य। तो ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है इसका पक्ष होता है ज्ञान को मजबूत करना, क्या होता है, ज्ञान का विकास, और यहाँ पे क्या होता है, भावना, यहाँ पे क्या होता है, भाव, यहाँ ज्ञान प्रधान होता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ा रहे हैं बालक उसको डायरेक्टली उसका ज्ञान ले सके, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, भावना प्रधान होती है कि उन चीज़ों से उसकी जो भावना निर्माण है, रुचियाँ हैं, वो किस प्रकार से निर्मित होती हैं। तीसरा क्या है, क्रियात्मक, जैसा कि यहाँ पे क्या होता है, क्रिया प्रधान होता है, क्या होता है, क्रिया प्रधान होता है। ज्ञानात्मक पक्ष को भी आपके 6 भागों में बांटा गया है, भावात्मक पक्ष को भी 6 भागों में और क्रियात्मक को भी 6 भागों में बांटा गया है। और ये जो पक्ष जो बांटे गए हैं इनमें क्या है, जो विभिन्न चरणों में बांटा गया है वो एक दूसरे से क्या है, बहुत ही जुड़े हुए हैं। पहला, जब आप पहला चरण पढ़ते हैं तो वो दूसरे से कनेक्टेड है, तीसरा पढ़ते हैं तो वो चौथे से कनेक्टेड है, तो हर एक पक्ष क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब हाँ, ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष, हाँ ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष में आएगा। देखिए, अच्छा देख लीजिए, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। ये जो है आप देखेंगे बीएस ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये तीन भागों में इसको विशिष्ट उद्देश्यों को बांटा गया है, जिनमें जो है पहला ज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें आपका पहले नंबर पे क्या आता है, ज्ञान, दूसरे नंबर पे आपका आता है बोध, तीसरे नंबर पे क्या आता है, अनुप्रयोग, चौथे नंबर पे विश्लेषण, विश्लेषण, फिर संश्लेषण, सीरीज बनाने की आया।
ये अक्सर पूछ लेता है, ये जो विभिन्न चरण है उसमें से भी पूछ लेता है कि किस उद्देश्य में रखा जाएगा या किस पक्ष में रखा जाएगा, और इसमें से भी ये पूछ लेता है कि क्रम से रखिए। हाँ, प्रथम प्रथम बताइए, द्वितीय बताइए, तृतीय। तो ये अगर इसका जब तक नॉलेज नहीं रहेगा आप कर नहीं पाएंगे। और एक नंबर का क्वेश्चन ये आपका होता है। तो देखिए, ज्ञान में क्या होता है कि आप जो चीज़ पढ़ाते हैं बालों को, उससे उसके ज्ञान का वर्धन होता है। और ज्ञान में भी आपके दो प्रकार का ज्ञान आता है, शिक्षक का ज्ञान और शिक्षार्थी का ज्ञान, है ना। यहाँ पे ज्ञान क्या, जब टीचर को ज्ञान होगा तभी तो बालक को देगा, और जब बालक को देगा तभी तो बालक ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरा क्या होता है, ज्ञान आपने दे दिया उसका उसको बोध होना भी जरूरी है। जैसे आपने विभिन्न प्रकार के फलों के नाम बता दिए, जानवरों के नाम बता दिए, छोटे बच्चों की बात हो रही प्राथमिक स्तर पे, तो ये क्या है, ये जो सूचनाएं थी वो संगठन करके उसका क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, है ना। कि विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का नाम, फलों का नाम, जानवरों का नाम, उसने क्या किया, ज्ञान के रूप में अर्जन कर लिया। फिर वो उसका क्या करेगा, बोध करेगा। बोध करने का मतलब जब भी आप नाम लेंगे सेब क्या है, तो बालक क्या करेगा, ये बताएगा कि ये फल है। आपने सब्जी, फल और जानवर के नाम उसको बता दिए, बोध उसको तब, मान लीजिए एक तो होता है रटना, रटना में कि वो क्रम से याद किया, पहले उसने फल याद कर लिया, फिर सब्जी याद कर ली, फिर जानवर का नाम याद कर लिया। जब आप उससे पूछ लिए जानवर का नाम पूछ लिए, तो वो उसमें क्या हो गया, कन्फ्यूज, क्योंकि रटा हुआ था। बोध करने का मतलब क्या होता है, रटना नहीं, समझना। समझना कि बालक से अगर आपने पूछ लिया सेब क्या है, ये तो सहज सी बात है, लेकिन छोटे बच्चे जिनकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं होती, तो उनके लिए सेब भी क्या होता है, कठिन शब्द होता है। तो आपने उससे पूछ लिया बालक से सेब क्या है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, अपने समझ का प्रयोग करेगा, बोध का प्रयोग करेगा। इसे अनुबोध के नाम से भी जानते हैं। तो वो बोध का प्रयोग करेगा और बताएगा कि हाँ ये फल के कैटेगरी में आता है, है ना। तो विभिन्न प्रकार का वो वर्गीकरण करता है, किसके आधार पे, अपने बोध, अपने समझ के आधार पे। फिर क्या करता है, उसका अनुप्रयोग, जो भी ज्ञान लिया, जिसका उस, जो उसको उसका बोध हुआ, उसको क्या करता है, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग करता है। जैसा अभी आपने EVS में देखा कि ज्ञान लिया कि पर्यावरण क्या है, उसका संरक्षण क्या है, ये तमाम सारी बातें उसने ज्ञान लिया। फिर इसके बाद उसका बोध हुआ, उससे संज्ञान हुआ कि हम लोगों ने बहुत पेड़ों की कटाई कर दी है, गलत किया है, हमें इसमें क्या करना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो आप उसका क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। अनुप्रयोग कहने का मतलब क्या होता है, जब किसी नियमों सिद्धांतों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं या किसी अन्य स्थिति में करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनुप्रयोग कहलाता है। विश्लेषण क्या होता है, देखिए बच्चे क्या है, विश्लेषण को कम, एनालिसिस को बहुत ज्यादा समझते हैं, है ना। कहते हैं उस चीज पे हम, मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस किया मतलब कि छोटी छोटी चीजों के बारे में भी जानना। तो यहाँ जब बालक ज्ञान ले लिया, बोध हो गया, उसका अनुप्रयोग कर रहा है, तो जरूर से उसके बारे में उसके हर गुण, हर उसके गुण अवगुण को बता सकता है, है ना। वो उसका विश्लेषण करके उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर सकता है, है ना। छोटे छोटे चीजों को क्या करेगा, अगर कोई सामने, उसके सामने कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया है, जैसे मान लीजिए विश्लेषण करना हुआ, हाँ, तो बालक को अगर आप एक वृक्ष बता दिए कि अब इनके जो है भागों का नाम बताइए, तो बालक क्या करेगा, एनालिसिस करके ये बता देगा कि कौन चीजें कहाँ हैं और क्या क्या हैं, है ना। और संश्लेषण में वही चीज क्या होता है, जब सारी चीजों को एक साथ क्या किया जाता है, गठित कर दिया जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, संश्लेषण। और मूल्यांकन किसका किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार की चीजें आपने बालक के अंदर डाली हैं, उसका आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि कितना बालक सीखा। और मूल्यांकन में ही आपका मापन आ जाता है, वो चाहे व्यक्तित्व मापन हो गया, बुद्धि मापन हो गया, या कोई भी चीजें हो गई। अब देखिए दूसरा पक्ष क्या है, भावात्मक पक्ष, जिसमें भावना क्या होती है, प्रधान होती है। इसमें भी आपका पांच छह चरण होते हैं। पहले चरण में क्या होता है, ग्रहण करना,
क्या होता है? ग्रहण करना, मतलब रिसीव, है ना। दूसरा क्या होता है? प्रतिक्रिया देना, मतलब रिस्पॉन्ड। तीसरा क्या होता है? मूल्य प्रदान करना, मूल्यीकरण, जिसे किस नाम से जानते हैं? वैल्यूइंग। फिर क्या होता है आपका? संप्रत्यय, मतलब क्या होता है आपका? कॉन्सेप्ट, है ना। फिर क्या होता है? संगठन, मतलब क्या होता है आपका? ऑर्गेनाइजेशन, इसे व्यवस्थापन के नाम से भी जानते हैं। फिर होता है आपका चारित्रीकरण। कैरेक्टराइजेशन, अब देखिए क्या होता है इसमें, भावना प्रधान होती है। क्या होता है? भावना प्रधान होती है। जैसे कि आपने ज्ञान में दिखाया, ज्ञानात्मक पक्ष में बताया, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने पढ़ाया, बालक क्या किया, उसका बोध किया, वो चीज़ों को वहाँ पे पढ़ा और उसने ये देखा कि ईमानदारी और देशभक्ति, क्या देशभक्ति और ईमानदारी सभी गुणों में श्रेष्ठ हैं, तो उसके मन में ये भावना हुआ, वो वहाँ से क्या ग्रहण किया? देशभक्ति की भावना ग्रहण किया। बात समझ रहे हैं? ये पहले उसने ज्ञान में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा, महान पुरुषों के बारे में पढ़ा कि जो सत्य और अहिंसा के साथ साथ जो है देशभक्त भी थे, तो उसके मन में ये बात आई कि देशभक्ति और जो है सत्य बोलना, ये क्या है? सर्वोपरि है, सबसे ऊपरी गुण है। तो यहाँ से उसने, उसके भावनाओं में ये रिसीव हुआ, क्या रिसीव हुआ? देशभक्ति, देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागृत हुई। वो प्रतिक्रिया कैसे करता है? उसके दिमाग में ये आता है, लोगों से कहता है, अपने घर वालों से, परिवार वालों से, कि हमें भी देश के लिए कुछ करना है। क्या करना है? देश के तरक्की में या किसी भी तरीके से हमें देश के प्रति कुछ ना कुछ कार्य करना है। और इसके बाद वो क्या करता है? अपने कार्यों को मूल्य प्रदान करता है और देश के लिए कुछ करने के लिए वो कुछ अलग सोचने लगता है। जब अलग सोचने लगता है तो उसके दिमाग में क्या बनता है? कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय का वो निर्माण करता है कि हाँ, हमें ऐसे करना चाहिए या ये चीज़ें हैं। विभिन्न चीज़ों को वो क्या करता है? देखता है, सुनता है कि कैसे लोग जो है देशभक्ति करते हैं और इसमें कितने जो है चीज़ों से गुजरना पड़ता है, और उन सब चीज़ों का वो क्या करता है? संगठन करता है, है ना। लोगों से पूछ के, जान के, अगल बगल आप देखते हैं बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आर्मी वालों से बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं, है ना। तो पहले तो वो कहाँ से ये देशभक्ति सीखा? रानी लक्ष्मीबाई से, किताबों से पढ़ा, ज्ञान वहाँ से अर्जित किया। फिर इसके बाद धीरे धीरे जब उसको प्रतिक्रिया किया, मूल्य प्रदान किया और उसका संप्रत्यय कॉन्सेप्ट बनाया, और अब विभिन्न लोगों से वो क्या कर रहा है? उन चीज़ों के बारे में संगठन कर रहा है, ज्ञान को अर्जित कर रहा है। और फिर इसके बाद वो क्या करता है? अपने उसके चरित्र में वो दिखता है, उन चीज़ों को वो क्या करता है? आत्मसात करता है। क्या करता है? आत्मसात करना। आत्मसात करना क्या होता है? जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं सभी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कैठो ज्ञानेंद्रिय हैं? पांच, ना। तो सारी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके जब बालक सारी चीजों को क्या करता है? ग्रहण करता है और अपने जीवन में चरितार्थ करता है। क्या करता है? उस चीज को अपने जीवन में ले आता है और वही आपका क्या कहलाता है? आत्मसात करना, है ना। जैसे गांधी जी का कहना था कि जो आप दूसरों से करवाना चाहते हैं स्वयं अपने आप पे करिए, है ना। एक बार की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, स्टोरी में रहती है बच्चों में, कि एक बार उनकी जो है पत्नी जो है बीमार हो गई। पढ़ा है आप लोगों ने? पढ़े हैं? हाँ, वो किताब में है। तो उसमें क्या उन्होंने किया कि नमक उनको नहीं खाना था, डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नमक नहीं खाना है, तो गांधी जी ने स्वयं अपने पे लागू किया कि हम नमक नहीं खाएंगे, या दूसरों पे जो नियम लगाते हैं वो हमें स्वयं पे भी लगाना चाहिए। यहाँ नमक खाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? कि मतलब कि सबसे पहले तो उस चीज को, हाँ, किसी चीज को अगर आप बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए तो वो स्वयं अपने आप पे करिए। अगर आप किसी को नियम समझा रहे हैं ऐसे करना है वैसे करना है, तो नियम स्वयं अपने आप
फॉलो करिए। तो बात यहाँ पे क्या होता है, चारित्रीकरण होता है, कहाँ पे, भावनात्मक उद्देश्य में। लास्ट वाला आपका है क्रियात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक उद्देश्य को भी छह भागों में बांटा गया है, जैसा कि इसमें जानते हैं क्या है, क्रिया प्रधान है। क्रिया प्रधान कहने का मतलब यहाँ जो है शरीर और मन दोनों का प्रयोग है ना। ज्ञान में क्या करता था, सिर्फ ज्ञान अर्जन करता था, मस्तिष्क का प्रयोग था, भावना उसके साथ लगी थी। अब यहाँ क्रिया में जो है क्रियात्मक पक्ष में आपका शरीर और भावनाओं दोनों साथ में आएंगी, ज्ञान और भावना दोनों साथ में आता है। और सर्वप्रथम क्या होता है, आवेग। कहीं कहीं आप देखेंगे कि यहाँ पे उद्दीपक भी दिया रहता है, क्या दिया रहता है, आवेग। कहने का मतलब इंपल्स, इंपल्स कहने का मतलब है कि जब हम किसी कार्य को, किसी कार्य के बारे में जानते हैं, हमारे मन में भावना उत्पन्न होता है, तो हम उस कार्य को करने के लिए आवेशित होते हैं या आवेगित होते हैं, है ना। दूसरी बात क्या है कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए आवेग से भरे होते हैं, हमारे अंदर वेग का प्रसार होता है, तो हम उस कार्य को क्या करते हैं, किसी ना किसी किसी पर्सन का हम अनुकरण करते हैं, क्या करते हैं, अनुकरण। इमिटेशन, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, किसी ना किसी लोगों का अनुकरण करते हैं और बाद में क्या करते हैं, कार्य को साधते हैं। कार्य साधना कहने का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेशन। जब कार्य को साधते हैं उसी के साथ हम क्या करते हैं, समन्वय करते हैं, है ना। जब भी किसी कार्य को करने जाते हैं, शरीर का और उस कार्य के साथ क्या करते हैं, समायोजन स्थापित करते हैं, जिसे हम समन्वय के नाम से जानते हैं। समन्वय स्थापित करते मतलब कोऑर्डिनेशन, है ना। सहसंबंध भी कहते हैं कि सहसंबंध स्थापित करते हैं। जब वहां पे ये कार्य हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस कार्य को नियंत्रण में ले आते हैं, उस कार्य को नियंत्रित करते हैं, जिसे हम कंट्रोल के नाम से जानते हैं। अंत में हमारा क्या आता है, छठवां, आदत निर्माण, जिसे क्या कहते हैं, हैबिट फॉर्मेशन। अब देखिए इसको स्पष्ट करने के लिए खिलाड़ी का उदाहरण लेते हैं, खिलाड़ी का उदाहरण लेते हैं कि अगर खिलाड़ी जो है देखता है कि उसको क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो सर्वप्रथम क्या करता है, शरीर और मन से तैयार होता है कि हमें क्रिकेट खेलना है या बॉल डालनी है, क्या करना है, बॉलिंग डालना करना है। तो उस वो पहले आवेशित होता है, फिर उसको समझ में आता है किसको फॉलो करे, कोई ना कोई उसका एक क्या होता है, आइडियल होता है, जिसको देख के वो बॉल डालना सीखता है। बहुत सारे बॉलर्स के नेम फेमस है तो उनको बहुत सारे फॉलो करने वाले हैं। और जब कोई कार्य करने से सीखे पहले हम क्या करते हैं, उस कार्य के बारे में तत्पर होते हैं, तो किसी ना किसी पर्सन का हम अनुकरण करते हैं। यहाँ पे जब वो किसी बॉलर का या श्रेष्ठ व्यक्ति का अनुकरण करता है, फिर उसको क्या करता है, कार्य को अंजाम देता है, क्रियान्वयन करता है या कार्य को साधता है, तो वो स्वयं बॉल डालता है ना। स्वयं बॉल डालेगा किसी का अनुकरण करके, तभी तो सीखेगा। और फिर जब वो बॉल डालता है तो क्या करता है, बॉल और अपने शरीर के साथ समन्वय स्थापित करता है ना, सहसंबंध या बैलेंस बनाता है। और इसके बाद क्या करता है, बॉल पे नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने के बाद वो बॉल को जिस दिशा में जहाँ डालना चाहता है वहाँ डालता है। और जब ये नियंत्रण बार बार करता है, अभ्यास करता है, तो वो किस में आता है, आदत निर्माण में, है ना। अब देखिए इसी बात को आप लिखने से देख लीजिए। बालक क्या करता है, जब लिखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो मन से और शरीर से क्या होता है, तत्पर होता है, आवेगित होता है। इसके बाद कहीं ना कहीं से वो देख के लिखना स्टार्ट करता है ना, किसी ना किसी चीज़ का वो
अनुकरण करता है, और जब अनुकरण करता है तो उसको स्वयं से लिखना स्टार्ट करता है, प्रारंभ करता है, कार्य साधता है, और फिर पेन के साथ और अपने हाथों के साथ क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। आप जानते हैं कि लिखने के लिए कौन सी कितनी डिग्री आवश्यक होती है, 45 डिग्री होती ना, कॉपी और पेन के बीच में 45 डिग्री, और पेन को कैसे पकड़ना है, तीन उंगली से, है ना, तीन ही उंगली से प्रयोग किया जाता है। अब पता नहीं कैसे लोग इस तरीके से लिखते हैं, तीन ही उंगली से लिखा जाता है, यही लिखने का तरीका है। हाँ, तीन उंगली से लिखाया जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वहाँ पे क्या करता है बालक, समन्वय स्थापित करता है, और जब कंट्रोल में आ जाती है, पहले आप देखते हैं कि बालक को फोर लाइन पे अंग्रेजी लिखवाया जाता है, तो बालक क्या करता है, समन्वय स्थापित करने से पहले क्या करता है, कभी ऊपर चार लाइन, कभी तीन लाइन, कभी नीचे ऊपर, इस तरीके से वो लिखता है। फिर एक समय क्या हो जाता है, बार बार करते करते नियंत्रण में आ जाता है, तो वो क्या करता है, तीन लाइनों पे ही लिखता है, है ना। फिर ये चीज जब नियंत्रण उसके अंदर आ जाता है, नियंत्रण कर लेता है उस चीज पे, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि आदत निर्माण हो जाता है। आदत निर्माण होने का मतलब कि बिना फोर लाइन के भी वो इंग्लिश सीधा लिख सकता है, है ना, ब्लैक बोर्ड पे हो गया, कॉपी पे हो गया, कॉपी मतलब कि जो कॉपी क्या वो प्लेन होती है, उस पर भी वो सीधी लाइन में लिख सकता है। वो किसकी वजह से, समन्वय होता है, इसके बाद उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है, पेन पे उसका नियंत्रण हो जाता है। जब नियंत्रण पेन पे हो जाता है तो किसी भी तरीके से किसी भी एंगल में लिखने के योग्य हो जाता है, सक्षम हो जाता है, और वही क्या हो जाता है उसका, आदत निर्माण हो जाता है। और बॉलिंग में भी यही होता है कि जब वो अंत में क्या होता है, बॉलिंग पे नियंत्रण कर लेता है, है ना, समन्वय स्थापित करने के बाद जब नियंत्रण हो जाता है तो दुनिया के किसी भी फील्ड में उसको खिलाइए, वो वही बाल डालेगा जहाँ वो डालना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उसको वही स्टंप, वही प्लेग्राउंड चाहिए तभी वो खेल पाएगा, है ना, जब उसके कंट्रोल में आ जाता है तो वो कहीं भी उस कार्य को कर सकता है। इतनी बात समझ में आई, और पढ़ेंगे बस अगर ये पढ़ाया जाए तो एक दिन में खत्म हो जाएगा। एक दिन में कहने का मतलब तीन चार घंटे में। हाँ, शिक्षण अलग होता है, कुल मिला के शिक्षण सब एक होते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है आपकी हिंदी में कुछ चीजें हैं और कुछ अंग्रेजी में चीजें हैं, जो पढ़ाने का मेथड अलग है। जैसे कि अंग्रेजी शिक्षण में आपके तीन चार जो है मेथड आते हैं, एक आपका आता है डायरेक्ट मेथड, एक ट्रांसलेशन कम मेथड, और एक आपका आता है न्यूमैन मेथड, नॉर्थ वेस्ट मेथड, तो बाइलिंगुअल मेथड, तो ये सारे जो इंग्लिश ग्रामर मेथड को ही डायरेक्ट मेथड कहते हैं। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो है आपका होता है, और एक क्या होता है डायरेक्ट मेथड, एक बायलैंग्वेज मेथड आपका होता है। ये सारे जो इंग्लिश पढ़ाने के लिए अलग से मेथड, और बाकी सब में क्या आपके मेथड में आते हैं, एक व्याख्यान विधि आती है, है ना, मेथड मतलब तो विधि ही ना, आपकी व्याख्यान विधि आ गई, उदाहरण विधि आ गई, दृष्टांत विधि आ गई, प्रयोगशाला विधि आ गई, अभी बस आपने यही सूत्र और विधियाँ ही पढ़ने हैं, है ना, वो आपका मेन है। और इसके बाद जो है शिक्षण के लिए सवाल नहीं आ रहा, शिक्षण कैसे करते हैं, सीटेट के लिए मत परेशान हो, सच्चाई बता रहे हैं, अल्लाह नाम क्या, सीटेट पे ध्यान दो, अभी 15 दिन में कुछ नहीं कर लोगे, कुछ नहीं। सीटेट के लिए आपको जो है सही बात यही है कि शिक्षण पे जितना ज्यादा आपका फोकस रहेगा उतना अच्छा आपका पेपर होगा। शिक्षण आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, खाली अपना अंडरस्टैंडिंग खोल के रखिएगा, है ना, हाँ पूरा कॉन्सेप्ट पे है, जितना ज्यादा आप सोच सकते हैं उतना ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं। और आप जो है 15 दिन का टाइम, इतने सारे सब्जेक्ट नहीं, ज्यादा लोड लेने की जरूरत